रेप इज अ वे ऑफ वायलेटिंग वुमेन बोथ साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली. अपने आप से नफरत होती थी, मेरे को दिल करता था बर्न माय बॉडी, मैं अपनी बॉडी को जला लूं, मैं अपनी बॉडी को मारती थी. इट इज रेप और एनी अदर फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट is a form of exercise of power, an exercise of domination, which stems from the unequal power relations that exist in society. मैं चीख रही थी ना तो मेरी आवाज ना निकले तो मेरे मुंह में हाथ डाल दिया था और ये पकड़ के खींच दिया था. कान से नाक से फिर खून आने लग गया बहुत ज्यादा. उसने रेप करके मुझे फेंका. When a woman goes to the police station, what do the police do? उन्होंने बोला भी कि आपको FIR करानी है, लड़की का केस है, आप मत कराइए, आप क्यों कराना चाहते हैं. So what do the doctors do? डॉक्टर दोनों ड्यूटी पे थे, वो मुझे देख ही नहीं रही थी. मेरी मम्मी बेचारी ट्रोली खींच खींच के मुझे अकेले वो लेके जा रही, कोई भी नहीं एक सपोर्ट. How does the public prosecutor and everybody present in the court treat this girl? बहुत ज्यादा गलत गलत मतलब questions उठाते हैं ऊपर character के ऊपर इतने ज्यादा. एक लड़की के साथ जब हो जाता है तो मतलब उसका फिर उसका हर समाज रेप करता है. एक बार वो लड़कों ने रेप किया, उसके बाद सबने किया. उनतीस मिनट. जब तक ये प्रोग्राम खत्म होगा भारत में कहीं ना कहीं किसी बलात्कार की खबर होगी, यानी हर घंटे दो महिलाएं साल के हर दिन. और ये आंकड़ा भी वो है जब महिलाएं इस ज्यादती की रिपोर्ट लिखाने की हिम्मत जुटा पाती हैं और उनका नाम जुड़ जाता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में. लेकिन हकीकत इससे आगे है, बल्कि शुरुआत है एक दर्द की सिसकी की, इंसाफ के लिए तड़पती महिलाओं की जो हर कदम पर इन्हें झेलना पड़ता है. तारीख 17 सितंबर 2001, वक्त रात के 1 बजे. राजधानी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल की एक आम रात थी. खाली पड़े गलियारे, इक्का दुक्का स्टाफ और 19 साल की एक नर्स जो आईसीयू में एक पैरालाइज्ड मरीज की देखभाल कर रही थी. 1 बज गए तो मुझे मेरा जब कमरा से खोला गया तो मेरे को लगा उसका अटेंडर आ गया. तो मैंने देखा तो अटेंडर नहीं, वो सी पर था. वो कुछ भी बोला नहीं, फिर वही मार पीटने लग गया मुझे. मैं चीख रही थी ना तो मेरी आवाज ना निकले तो मेरे मुंह में हाथ डाल दिया था और ये पकड़ के खींच दिया था. जब मेरी आंख वाग उसने खींच के निकाल दी थी ना, हाथ से खींच के निकाल दिया था. आते ही मुझे पहले मारने चालू करा था, उसके बाद उसने रेप करके मुझे फेंका. अगली सुबह एक वार्ड बॉय ने उसे बेहोश पड़े देखा. बेतरह खून बह रहा था उसका, उसकी बाई आंख बाहर आ गई थी. बलात्कार की यह घिनौनी वारदात ही काफी नहीं थी उसके लिए, बल्कि ये शुरुआत थी उसके दर्द की. चले कंप्लेंट लिखवाई, उसने भी क्या करा, कंप्लेंट तो लिख के जैसे लिखते हैं FIR दर्ज कराते हैं, उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करा. उसने भी मजाक में समझा. उनको आने के बाद मुझे ट्रीटमेंट लेके जाना चाहिए था, MLC करानी चाहिए थी, उन्होंने भी कुछ नहीं करा. The system is extremely biased and does not take women's bodily integrity or women's dignity seriously. कानून के मुताबिक कोई भी अपराध होने पर उसकी रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के भी यही निर्देश हैं. लेकिन बलात्कार के मामलों में सबसे पहले पुलिस की आनाकानी ही सामने आती है. ड्यूटी पर मौजूद थाने का अफसर महिला को रिपोर्ट न लिखाने की सलाह देता है. उसे ट्रेनिंग ही नहीं मिलती है ऐसे गंभीर और संवेदनशील मामलों में बर्ताव करने की. वो हर शिकायत को महज आंकड़ा मानता है. 6 साल पहले 18 साल की एक छात्रा शाम करीब 4 बजे ट्यूशन के बाद अपने घर लौट रही थी. उसे स्कॉर्पियो में सवार 4 लड़कों ने खींच लिया और सामूहिक बलात्कार किया. साहस जुटाकर जब वो अपनी माँ के साथ थाने पहुंची तो पुलिस ने FIR लिखने से भी इनकार कर दिया. उन्होंने बोला भी कि आपको FIR करानी है, लड़की का केस है, आप मत कराइए, आप क्यों कराना चाहते हैं. पुलिस का दावा है कि सामाजिक दबाव की वजह से पीड़ित रिपोर्ट लिखवाने से बचती हैं, लेकिन ये पुलिस की आनाकानी होती है जिसकी वजह से पीड़ित थाने से बचती है. लेकिन जब इस मेडिकल छात्रा ने रिपोर्ट लिखाने का दबाव डाला तो उसे घूरती नजरों का सामना करना पड़ा.
पुलिस का बिहेवियर तो बहुत इनसेंसिटिव था स्टार्टिंग में, तो बहुत ही ज्यादा गलत नजर से देखना, ऐसे हाँ जी क्या हुआ कैसे हुआ, मतलब बहुत डिटेल्ड में पूछते हैं, पता ही है क्या हुआ होगा, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, शायद किसी के घर बेटी ही नहीं है, किसी के घर कोई है नहीं कि उनको किसी बेटी के साथ कोई सिंपथी होगी, कोई पर्दे में होनी चाहिए, ये चीज नहीं, ओपनली सब कुछ हर कोई पूछता। सही बात है, पुलिस को मामला दर्ज कर जांच के लिए बहुत सारी जानकारी चाहिए, लेकिन इसके लिए जो तरीका अपनाया जाता है वो शर्मनाक है। एक बड़े पुलिस अफसर ने इसे माना भी है। मोस्ट ऑफ आवर कांस्टेबल्स दे कम फ्रॉम अ डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड व्हेन दे आर थ्रोन टू सर्विस द क्लाइंट्स ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी हु इज कैरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक वैल्यूज, so there is a bit of clash. The people who come and join our constabulary, they come from a socio-economic background which makes the majority of this country. They are also not at fault. विडंबना तो ये है कि महिला पुलिस अफसर भी कुछ अलग नहीं है। We've had a police chief who has told us how to dress. We've had a chief minister who has told us what time to come back. These are highly educated elite of this country. This bias runs through and through. पटना, बलात्कार की शिकार एक पीड़ित का कहना है कि वारदात के एक महीने तक कोई जांच नहीं की गई। कोलकाता में एक बलात्कार पीड़ित का दावा है कि उसे तो पुलिस ने ही परेशान किया। बहुत सारे मामलों में देश भर में जब भी ऐसा मामला आता है, पुलिस ही नहीं पूरा का पूरा सिस्टम ही महिला विरोधी नजर आता है। इस युवा नर्स को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत बेहद खराब थी, उसकी आग बाहर आ चुकी थी, उसे इलाज की फौरन जरूरत थी। डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी पे थे वो मुझे देख ही नहीं रही थी। मेरी मम्मी बेचारी टोली खींच खींच के मुझे अकेले वो लेके जा रही, कोई भी नहीं एक सपोर्ट, और कई लोग तो सोच रहे मर चुकी है, लाश को लेके खींच के ले जा रहे हैं ऐसे करके, कभी कहेंगे फोर्थ फ्लोर ले जाओ, कभी कहेंगे फिफ्थ फ्लोर ले जाओ। मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ताओं के दखल के बाद ही उसे इलाज मुहैया कराया गया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी, उसकी एक आंख हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। मेरा सारा खत्म हो गया था, फेस पूरा खराब हो गया इसकी वजह से, कभी भी शीशा देखूं मुझे अपने आई का हमेशा फेस करना पड़ता है। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर दूसरे देश की तरह काम के तौर तरीकों में मामूली बदलाव भी कर लें तो भी पीड़ितों को कुछ राहत मिल सकती है। There is no space in any hospital's casualty is identified for the rape victim or sexual assault victim examination. No specific doctor is appointed in any hospital for examining these rape victims. Even in the United States, they have a dedicated center where she is taken, where the victim is taken and examined. Okay, here we don't have that kind of a system. If admitted, she is admitted in the general ward. ऐसे मामलों में अस्पताल सबसे अहम है। अपराध साबित करने में मेडिकल सबूत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गवाह तो होते नहीं ऐसे मामलों में। खून के नमूने, थूक के निशान, बालों के टुकड़े, सब कुछ मौके से सावधानी के साथ इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। दीज आर बींग कलेक्टेड, दीज आर बींग सील्ड एंड केप्ट विद द डॉक्टर फॉर सम टाइम, दीज आर नॉट केप्ट इन द फ्रीजर। These are being given by to the police officer. They go and keep in the police station for 3 days, 4 days, 5 days, 6 days, even month. So the collections, quality of collections, its preservation, adding the preservatives, sealing it, and should be handed over with the instruction that it should be sent to the laboratory within 2 hours, within 6 hours. As required that the sample shouldn't get destroyed in transportations. देश के ज्यादातर राज्यों में प्रशिक्षित लोगों वाली लैब्स की जबरदस्त कमी है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 25 राज्यों और 4 फोरेंसिक लैब्स में ही ऐसे मामलों को संभालने की क्षमता है। उलझे हुए मामले देखने वाले डीएनए एक्सपर्ट भी इक्का दुक्का ही हैं। In the north, if you have only one DNA test lab, only one couple of scientists, we don't have that.
expertise and the people everywhere. विश्व स्वास्थ्य संगठन और केंद्र सरकार की पाबंदी के बावजूद भारत में महिलाओं पर ही क्यों होते हैं बलात्कार साबित करने वाले परीक्षण? They ask me to lie down and then they check my vagina. Then they put their fingers in and I was like screaming.